वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, भारत में अगर मैं अफोर्डेबल गाड़ियों की बात कर रहा हूं तो उसमें एक मॉडल निकल कर आता है, अपकमिंग की बात कर रहे हैं तो वो है रेनॉल्ट की क्विड इलेक्ट्रिक। ऑलरेडी रेनॉल्ट कंफर्म कर चुकी है 2022 के स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया जाएगा। ऑलरेडी जो ऑटो एक्सपो हुआ था इसी साल फेब मंथ में, जो कि आप जिसकी आप वीडियोज देख रहे हो, वहीं पर मैंने इस वीडियो को शूट किया था और वहां पर इसको दिखाया गया था और वहां के एग्जीक्यूटिव से भी बात हुई थी। उन्होंने भी ये कन्फर्म किया था कि 2022 में इसको लॉन्च करने की इनकी प्लानिंग है और 200 प्लस किलोमीटर की रेंज रहेगी, 200 से 250 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज रहेगी और काफी ज्यादा लोकलाइजेशन लेवल इस पर सेट किया जाएगा ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके। लेकिन इसके अलावा एक और गाड़ी इसी मॉडल में, जैसा आप देख रहे हो वीडियो में, रेनॉल्ट ने शो की थी, वो थी इनकी क्विड से ऊपर का सेगमेंट आ जाता है ZOE इलेक्ट्रिक कार हैचबैक है, इसको भी वहां दिखाया गया था। इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की थी बट स्टिल उन्होंने यही कहा था कि अभी तक इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जबकि हम कई बार जो को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देख चुके हैं। हाल में ही लास्ट वीक भी इसको टेस्टिंग पर देखा गया था। बेशक अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कंपनी की तरफ से या कुछ ज्यादा डिटेल निकल कर नहीं आई है, बट स्टिल बार बार जो को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के लिए दिखना, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो को कंसीडर किया है रेनॉल्ट ने भारत को लॉन्च करने के लिए। हो सकता आगे चलकर क्विड के बाद इसको लॉन्च किया जा सके बट चांसेस है, तभी ये बार बार इंडिया में टेस्टिंग के लिए दिखाई दे रही है। और जो मॉडल आप यहां देख रहे हो ये थर्ड जनरेशन की जो है, जिसमें 52 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और 385 किलोमीटर की रेंज कंपनियां क्लेम करती है। मोटर जो है वो 130 bhp की पावर जनरेट करता है और वहीं 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिलता है। बिल्कुल डीसी फास्ट चार्जर है, 0 to 80% इन जस्ट 1 आवर, एक घंटे में 80% चार्ज हो जाता है। और इसकी इनसाइड की बात करो तो इसमें काफी बड़ा ह्यूज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम रहता है। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है, स्पेसिफिकेशन की लिस्ट काफी लंबी है, बैटरी पैक का साइज भी बड़ा है, तो सीधी सी बात है इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, 15 से 20 लाख के बीच में इसका प्राइस रह सकता है। टाटा नेक्सन के अगर इसका ऊपर प्राइस जाता है तो यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा कि जो का जो ओवरऑल साइज है वो नेक्सन के मुकाबले छोटा है, तो ऐसे में छोटी गाड़ी का ज्यादा प्राइस ये कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा जो के लिए। अगर वैसे में ओवरऑल बात करें तो जो को यूरोप में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, कई कंट्रीज में तो ये टेस्ला को टक्कर दे रही है। कई कंट्रीज में ऑलरेडी बेस्ट सेलर का अवार्ड जो को मिल चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी को, इस इलेक्ट्रिक कार को कितना पसंद किया जाता है ग्लोबली। उम्मीद है भारत के लिए इसको कंसीडर किया है तो ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन लेवल के साथ एक अफोर्डेबल प्राइस में इसको लॉन्च किया जाए तो ये सबके लिए अच्छा होगा। कुछ भी अपडेट आगे निकल कर आएगा जो के रिगार्डिंग, क्विड की तो कंफर्मेशन है कि इसको लॉन्च किया जाएगा 2022 में, लेकिन जो से रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन कभी भी आएगी तो आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।